अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपसे शेयर करूंगी करेले का अचार। जो लोग करेले खाना बेहद पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, एक नज़र देख लीजिए। हमें चाहिए आधा किलो करेले। मैंने स्मॉल साइज़ करेला लिया है, इसे हम पील नहीं करेंगे। करेलों को धोकर किचन नैपकिन से पोंछ लीजिए, फिर फैन की हवा में सुखा लीजिए। 1.5 कप लाल मिर्ची पाउडर, मैं यहाँ बैम्बू मिर्ची इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच चना दाल, 1.5 चाय का चम्मच माश की दाल यानी उड़द दाल, 1/2 टेबल स्पून राई, 1/2 चाय की चम्मच हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, मुट्ठी भर के करी पत्ता, 3 चाय के चम्मच मेथी दाना, तकरीबन 25 ml है ये। लहसुन की कलियां बड़े हैं इसलिए मैंने 12 लिए हैं। अगर छोटे कलियां हैं तो पूरा 1 लहसुन का फूल ले लीजिए। डीप फ्राइंग के लिए 400 ml तेल इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोव ऑन करेंगे। एक कढ़ाई में हाई फ्लेम पर मेथी को अच्छे से भून लेना है, पूरा 1 मिनट के लिए भूनना है। जैसे मेथी का कलर डार्क ब्राउन होने लगा हो, स्टोव ऑफ कर दीजिए और इसे मिक्सी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठंडा होने के बाद ही इसे महीन सा पाउडर बनाइए, इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें हमें लहसुन की कलियां शामिल करके बारीक सा पीस लेना है। पानी इसमें शामिल नहीं करना है। अब इसे हम अचार के लिए इस्तेमाल करेंगे। करेलों को मैंने 2 आधे काट लिया है। अचार के लिए बारीक पीसेस मत काटिए, ये देखिए ये साइज़ के ही काटिए। अब हम इन करेलों को डीप फ्राई करेंगे। सबसे पहले स्टोव ऑन करके कढ़ाई में तेल शामिल करना है। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। गर्म होने के बाद आंच को धीमी कर दीजिए, कर इसमें करेलों को शामिल कीजिए। मैं पूरे करेले एक ही साथ फ्राई कर रही हूँ। करेलों को शामिल करने के बाद आंच को हाई फ्लेम पे रखकर तकरीबन 4 मिनट तक इसे अच्छे से डीप फ्राई कीजिए। फिर 4 मिनट के बाद आंच को मीडियम पे रखकर करेले फ्राई कर लीजिए। इसके लिए मुझे 20 मिनट का वक्त लगा है। मैं बीच बीच में आपको वीडियो बता रही हूँ। 10 मिनट के बाद इस तरीके से दिखेंगे और बाकी 10 मिनट के बाद पूरे करेले क्रिस्प हो चुके हैं। अब हमें स्टोव ऑफ करके करेलों को दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करना है और ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। अब हम स्टोव ऑन करके तेल गर्म होने के बाद इसमें राई शामिल करेंगे, फिर इसमें चना दाल शामिल करेंगे, फिर उड़द दाल शामिल करेंगे। अब स्टोव ऑफ कर दे के करी पत्ता को शामिल कर लीजिए। अब इसका ढक्कन उतार कर तेल ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं मसालों की ओर। एक बाउल में हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और पिसा हुआ मसाला शामिल करेंगे। इस मसाले को अच्छे से मिला लीजिए इसमें, इस तरीके से। अब हम इसमें फ्राइड करेले शामिल करेंगे, करके अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेना है। दोस्तों, अगर आप चाहे तो बैम्बू मिर्ची के बदले कश्मीरी लाल मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसमें धीरे धीरे ठंडा हुआ तेल शामिल करना है। तेल शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि
तेल में नमक घुलने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मिक्स करने के बाद अब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर डब्बे में शामिल करेंगे। करके तकरीबन एक दिन के लिए बिना हिलाए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर एक दिन के बाद अभी अचार खाने के लिए तैयार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि करेले का अचार आप सबको बेहद पसंद आया होगा। जो लोग भी करेले पसंद करते हैं, एक बार इस करेले के अचार को बनाने की कोशिश कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।